हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 1500 सीरीज़ का पार्ट 79। आज नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 15 है, तो जो भी आपका स्कोर रहे 15 आउट ऑफ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और आज मोस्टली क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2000 केल्विन ताप पर एक कृष्णिका से उत्सर्जित अधिकतम तरंग दैर्ध्य लैम्डा एम है, तो 3000 केल्विन ताप पर संगत तरंग दैर्ध्य होगी। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, आज आपको दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। अ ब्लैक बॉडी हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा एम एट टेम्परेचर 2000 केल्विन, इट करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एट टेम्परेचर 3000 केल्विन विल बी। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए, और सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पॉज कर लीजिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। और जो भी आपका स्कोर रहे लास्ट में, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि आपको और मुझे पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन इस वक्त कैसी चल रही है। तो सभी से रिक्वेस्ट है अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था रिलेशन क्या होता है टेम्परेचर और वेवलेंथ का, ये क्या होते हैं आपस में, इन्वर्सली होते हैं। क्या होते हैं? इन्वर्सली होते हैं। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे लेमडा एम टू इक्वल्स टू लेमडा एम वन इक्वल्स टू टी वन अपॉन में टी टू, क्योंकि ये क्या है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। तो देखिए T1 आपको कितना देर का है, 2000, और T2 आपको कितना देर का है, 3000, और यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा लैम्डा M1। तो यहाँ से 3 जीरो कैंसिल आउट, तो आपका 2/3 लैम्डा M। बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगर आपको रिलेशन आता होगा तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को कर ले जाओगे। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूर्णतः कृष्ण वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा समानुपाती होती है आदर्श गैस स्केल के ताप पर। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाई अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज प्रपोर्शनल टू। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। देख सकते हो आप कितने सारे एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है टॉप 1500 सीरीज। जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठोगे वहां आपको पता चल जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस टॉप 1500 सीरीज की, जब आप एग्जाम देने बैठोगे। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए रिलेशन क्या होता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। क्या होता है? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर ऑन आइडियल गैस स्केल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। बात करें हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, परम ताप के चतुर्थ घात के। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस पर कृष्ण पिंड से विकिरण ऊर्जा की दर ई जूल प्रति सेकंड है, तो 273 डिग्री सेल्सियस ताप पर विकिरण ऊर्जा की दर होगी। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज ई जूल पर सेकेंड। द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ दिस ब्लैक बॉडी एट 273 डिग्री सेल्सियस विल बी। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। वीडियो पॉज कर लीजिए, भले ही काफ़ी टाइम लग जाए, बट आप हर क्वेश्चन को करिए।
चाहे गलत करिए बट आंसर को आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए मैंने अभी आपको रिलेशन बताया ऊपर क्या होता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। तो हम इसी रिलेशन से इसका राइट आंसर निकाल लेंगे। कैसे, ई वन अपॉन में ई टू इक्वल्स टू टी वन अपॉन में टी टू की पावर 4। कितना हो जाएगा, टी वन अपॉन में टी टू की पावर 4 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो जो आपका ई वन है वो आपको कितना दे रखा है, ई दे रखा है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, एक मिनट, ई अपॉन में ई टू, टी वन आपको कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, आप देख सकते हो। तो आपका 273 प्लस 0 और आपका जो टी टू है वो कितना दे रखा है, 273। तो 273 प्लस 273 इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो देखिए 273 प्लस 273, 273 से कितने टाइम्स कट जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो 1 अपॉन में 2, 2 की पावर 4 यानी 1 अपॉन में 16। तो जो आपका E2 है वो इधर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, तो E2 आपका निकल के आ जाएगा 16E। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। आई होप सभी स्टूडेंट्स की समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कृष्ण पिंड से ऊष्मा विकिरण की दर ई वॉट पर मीटर स्क्वायर है यदि उसका उच्च ताप टी के है। जब ताप को टी अपॉन में 2 केल्विन किया जाता है तो ऊष्मा विकिरण की दर होगी, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, अ ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ ई वॉट पर मीटर एट अ हाई टेम्परेचर टी के। व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस टू टी अपॉन में 2 के द एनर्जी विल बी, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। एक ही क्वेश्चन देख सकते हो आप, कितने सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वीडियो पॉज कर लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, चाहे आंसर आपका गलत क्यों ना जाए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो अभी आपको मैंने रिलेशन बताया क्या होता है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। तो आपका जो E1 है वो कितना आ जाएगा, E1 अपॉन में E2, E1 अपॉन में E2 इक्वल्स टू T1 अपॉन में T2 की पावर 4। आई होप सबने यही लगाया होगा शुरुआत में, E1 अपॉन में E2 आपका हो जाएगा T1 अपॉन में T2 की पावर 4, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप देखिए क्वेश्चन में जो E1 है वो आपको कितना दे रखा है, E दे रखा है, तो यहाँ से हम 1 हटा देंगे, क्या आ जाएगा, E1 आपका E आ जाएगा। E2 हमें फाइंड करना है, T1 आपको कितना दे रखा है, T दे रखा है, T2 आपको कितना दे रखा है, T अपॉन में 2, तो T अपॉन में 2, 2 चला जाएगा ऊपर, तो T से T कैंसिल आउट, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो E2 आपका इधर आ जाएगा और 16 आपका आ जाएगा नीचे, तो आपका E2 निकल के आएगा E अपॉन में 16। आई होप सबकी समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमें क्या फाइंड करना है, E2 हमें फाइंड करना है। तो रिलेशन क्या होता है, E1 अपॉन में E2 इक्वल्स टू T1 अपॉन में T2 की पावर 4। E1 आपको दे रखा है E, E2 हमें फाइंड करना है, T1 आपको दे रखा है T, T2 आपको दे रखा है T अपॉन में 2, तो T से T कैंसिल आउट, 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 की पावर 4 16, ये आ जाएगा नीचे, E2 आपका चला जाएगा ऊपर, तो E2 आपका निकल के आ जाएगा E अपॉन में 16। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिंड 127 डिग्री सेल्सियस पर 5 वॉट ऊर्जा विकृत करता है यदि ताप 927 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है तो यह ऊर्जा निम्न दर से विकृत करता है। बात करें इंग्लिश में, अ बॉडी रेडिएट्स एनर्जी 5 वॉट एट अ टेम्परेचर ऑफ 127 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 927 डिग्री सेल्सियस देन इट्स रेडिएट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ, वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। अगर आपको रिलेशन आता होगा तो आप इजीली कर ले जाओगे, ट्राई करिए आप, चाहे आपका आंसर गलत क्यों ना जाए, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा।
तो आई होप सबने इसका भी राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे लिखा है ताकि आपको आसानी हो समझने में। देखिए, ऊर्जा उत्सर्जन की दर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन में टी इक्वल्स टू पी, और जो पी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए ई सिग्मा टी की पावर 4। तो जो पी है वो क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है किसके, टी की पावर 4 के। तो पी वन अपॉन में पी टू आपका हो जाएगा टी वन अपॉन में टी टू की पावर 4। तो आप देख सकते हो जो टी वन है वो कितना है, 927 प्लस, हमें आपको पता होगा जब भी हम टेम्परेचर आपको दे रखा है, तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम केल्विन में लेते हैं, तो केल्विन में लेते हैं इसलिए हम हमेशा 273 ऐड करते हैं। तो आपका टी वन आपको दे रखा है 927 प्लस कर देंगे 273, और जो टी टू है वो कितना है आपका 127, तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्लस 273, तो इसका कर देंगे हम पावर 4। तो आपका जो पी वन है क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके इसका राइट आंसर निकल के आएगा 405 वॉट। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि सूर्य का ताप बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तब पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा की दर बढ़कर हो जाएगी। बात करें इंग्लिश में, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सन इज डबल्ड द रेट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ विल बी इंक्रीज्ड बाई अ फैक्टर ऑफ। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखकर ही आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो अभी मैंने आपको रिलेशन बताया क्या होता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। टेम्परेचर कितना कर दिया, डबल, यानी 2 की पावर 4। ऑप्शन नंबर डी 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कृष्ण वस्तु से 27 डिग्री सेल्सियस तथा 927 डिग्री सेल्सियस ताप पर उत्सर्जित विकिरण ऊर्जाओं का अनुपात होगा। बात करें इंग्लिश में, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 927 डिग्री सेल्सियस इज। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो वही रिलेशन है, ई वन अपॉन में ई टू इक्वल्स टू, एक मिनट, ई वन अपॉन में ई टू इक्वल्स टू टी वन अपॉन में टी टू की पावर 4। तो देखिए, टेम्परेचर पहला आपका 27 है, दूसरा कितना है 927, कर देंगे 273 में ऐड, तो क्या निकल के आएगा, 273 प्लस 27 अपॉन में 273 प्लस 927। तो हम इसका ऐड करके क्या लगा देंगे, पावर 4 लगा देंगे। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब आपका सॉल्व करोगे, इसको सॉल्यूशन इसका काट पीट के सॉल्व करोगे, तो आपका निकल के आएगा 1/4। तो 1/4 की पावर 4 कर देंगे तो कितना जाएगा, 1/256, यानी 1:256। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, रिलेशन इसमें पुट किया है, आंसर आपके सामने दिख गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सरल आवर्त गति करते हुए 1 कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, देख सकते हो आप कितने सारे एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बात करें इंग्लिश में, द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज प्रोपोर्शनल टू। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो आप देख सकते हो जो ई है वो क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, ए स्क्वायर के, यानी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, गति के आयाम के वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आयाम से सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज
एव स्थितिज ऊर्जाएं समान होती हैं, जबकि उसका मध्यमान स्थिति से विस्थापन है। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी इक्वल व्हेन डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए, थोड़ा टाइम लगेगा बट कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ही टाइम है अभी तो हमारे पास। तो वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए, और जो भी आपका स्कोर हो, सभी से रिक्वेस्ट है अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। अगर आप इसको डायरेक्ट याद करना चाहो डायरेक्ट याद कर लीजिए, अगर आपको मेथड से समझना है मेथड से भी आप समझ लीजिए। देखिए साफ साफ क्वेश्चन में दिख रहा है, माना मध्य स्थिति से विस्थापन कितना है, वाई पर है। आप देख सकते हो कितने पर है, वाई पर है। तो जो स्थितिज ऊर्जा आपको दे रखी है क्वेश्चन में, स्थितिज ऊर्जा और जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है, समान है। तो हम लिख देंगे स्थितिज ऊर्जा आपकी कितनी होती है, हाफ एम ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, हाफ से आप कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट और ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब ये वाला वाई स्क्वायर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू टू वाई स्क्वायर। तो हमें फाइंड क्या करना है, वाई फाइंड करना है। तो हम यहाँ से इजीली वाई फाइंड कर लेंगे। क्या दे रखा है आपका, ए स्क्वायर इक्वल्स टू टू वाई स्क्वायर, वाई आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा ए अपॉन में अंडर रूट टू। तो आई होप आपने ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए अपॉन में रूट टू। तो आई होप सबने यही आंसर टिक किया होगा। हमने कुछ नहीं किया, केवल केवल पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या कर दी, इक्वल कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आप इसको डायरेक्ट याद आंसर करना चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मेथड से समझना चाहो मेथड से भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण आयाम ए की सरल आवर्त गति कर रहा है जब कण की स्थितिज ऊर्जा उसके दोलन के दौरान अधिकतम मान की एक चौथाई है, तब कण का साम्य स्थिति से विस्थापन होगा। बात करें इंग्लिश में, व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन इन टर्म्स ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड इज। ऑप्शन आपके ऊपर है, वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। देखिए U अपॉन में U मैक्सिमम कितना हो जाएगा, U की वैल्यू कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। और U मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हाफ से आप कैंसिल आउट, एम ओमेगा स्क्वायर से एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। और U अपॉन में U मैक्सिमम की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, एक चौथाई यानी 1/4। तो हम लिख देंगे वन फोर्थ इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लगेगा अंडर रूट, तो आपका वाई अपॉन में ए निकल के आ जाएगा कितना, हाफ निकल के आ जाएगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, वाई फाइंड करना है, तो ए चलाएगा ऊपर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए अपॉन में टू। आई होप सबने ऑप्शन नंबर सी ही टिक किया होगा। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन जब आयाम का आधा है तब स्थितिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा का अनुपात होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। बात करें इंग्लिश में, When the displacement is half the amplitude, the ratio of potential energy to the total energy. वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए।
तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो यू अपॉन में ई। यू क्या है पोटेंशियल एनर्जी और ई क्या है टोटल एनर्जी। तो हमें रेशियो किसका फाइंड करना है, यू अपॉन में ई का। यू की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ई की वैल्यू कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सभी आप कैंसिल आउट कर दीजिए यहाँ से U अपॉन में E। अब आप देख सकते हो, एक मिनट, U अपॉन में E तो हमें फाइंड करना है, एक मिनट। U अपॉन में E यहाँ से आपका क्या बचा, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको साफ साफ दे रखा है डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हाफ है एम्पलीट्यूड के, यानी ए अपॉन में टू की पावर स्क्वायर और ए स्क्वायर तो आपका दे ही रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जब कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल आउट क्या बचा, वन अपॉन में फोर, क्योंकि या वन अपॉन टू का स्क्वायर करोगे तो वन अपॉन में फोर आएगा, तो आपका क्या निकल के आएगा, वन अपॉन में फोर। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो जो रेशियो होगा पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का वो कितना होगा, वन अपॉन में फोर होगा। आई होप सबकी समझ में आ गया होगा। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। सरल आवर्त गति करते हुए कण की मध्य स्थिति से x दूरी पर स्थितिज ऊर्जा होगी, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन इज। वीडियो पॉज करिए और उसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कण इस प्रकार गति करता है कि उसका त्वरण समीकरण A = -bx द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें एक्स संतुलन स्थिति से विस्थापन तथा बी कोई नेतांक है, दोलन काल होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, NCERT का क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें इंग्लिश में, अ पार्टिकल मूव्स सच दैट इट्स एसेलरेशन ए इज गिवन बाई A = -bx, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड b इज अ कॉन्स्टेंट, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो दिए गए प्रश्न से जो विस्थापन अपॉन में त्वरण का अनुपात है वो कितना है, वन अपॉन में बी है। क्या है, विस्थापन अपॉन में त्वरण आपको दे रखा है कितना, वन अपॉन में बी। और आपको पता होगा आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, T = 2π√ विस्थापन अपॉन में त्वरण। क्या होता है, T = 2π√ विस्थापन अपॉन में त्वरण। विस्थापन अपॉन में त्वरण आपको कितना दे रखा है, वन अपॉन में बी। तो देखिए आपका 2π√ बी आ जाएगा। बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, T = 2π√ विस्थापन अपॉन में त्वरण, और विस्थापन अपॉन में त्वरण आपको दे रखा है कितना, वन अपॉन में बी। तो वन अंडर रूट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बचेगा, रूट में बी बचेगा, तो रूट में बी लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाएगा जबकि, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड व्हेन, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। क्वेश्चन आप एक बार देखिए, कब डबल होगा। तो आई होप सबने इसका भी राइट आंसर लगा लिया होगा। तो कब डबल होगा, जब इसकी लंबाई क्या होगी, 4 गुना होगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट, T = 2π√L/g। जो टाइम पीरियड है वो क्या रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है किसके, एल के। तो जब हम लंबाई 4 गुना करेंगे, देखिए रूट में 4 करेंगे तभी तो आपका 2 निकल के आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, लंबाई 4 गुना कर दी जाए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, और सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नए नए क्वेश्चन आज आपको सीखने को मिले हो, तो वीडियो को लाइक
ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, एक चिंपांजी किसी झूले पर बैठा हुआ झूल रहा है, यह अचानक झूले पर खड़ा हो जाता है, तब आवर्तकाल, बात करें इंग्लिश में। अ चिंपांजी स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन अ सिटिंग पोजिशन स्टैंड्स अप सडनली, द टाइम पीरियड विल, ऑप्शन आपके सामने गिवन है, तो सभी से रिक्वेस्ट है इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन, जो लड़की वाला क्वेश्चन था, वो मैंने आपको पहले करा दिया है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ चिंपांजी है, वहाँ लड़की थी, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है, तो सभी से रिक्वेस्ट है इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, क्योंकि आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, इसलिए वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और मुझे मोटिवेट करिए, और हो सके तो केवल केवल एक जगह शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखना अपना, टेक केयर, बाय बाय।